मेरे चैनल पर आप सब लोगों के बहुत कमेंट्स आते हैं कि जो मैं साड़ियों को रीयूज कर ड्रेसेस बनाने के आइडियाज बताती हूँ। मैंने खुद ऐसी साड़ीज के कौन से आउटफिट्स बनाए हैं, आप लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं आपको ऐसे आउटफिट्स दिखाऊं। तो आज के वीडियो में मैं आपको अपनी एक बहुत स्पेशल क्लाइंट की 45 ईयर ओल्ड साड़ी में से जो हमने आउटफिट बनाया है वो दिखाएंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो वेलकम। मैं हूँ जैस्मिनम और ये है मेरी फैशन और स्टाइलिंग पे वीडियो सीरीज। आज के वीडियो में मैं आपको अपने क्लाइंट की इस साड़ी को कन्वर्ट करके जो आउटफिट बनाएंगे उसकी पूरी एक जर्नी, पूरा एक प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ। हमारे क्लाइंट की ये 45 साल पुरानी साड़ी है एंड अब वो इसको कन्वर्ट करके कुछ और बनवाना चाहते हैं। इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ये एकदम सुच्ची जरी में प्योर चांदी के तार में काम हुआ है। इट इज़ हार्ड टू बिलीव बट मैं आपको ये दिखाऊंगी कि 45 साल के बाद भी ये एम्ब्रॉयडरी वैसे की वैसे है। इसका बिल्कुल भी जो जरी है, जो तिल्ला है, वो बिल्कुल भी काला नहीं हुआ है या कोई भी बीड्स, कोई भी पर्ल दबका कुछ भी निकला नहीं है। तो ऐसी साड़ी इसको रेनोवेट करने में भी मज़ा भी आता है और उसमें फ़ायदा भी है। अगर आपकी साड़ी की एम्ब्रॉयडरी काली पड़ चुकी है या उसकी एम्ब्रॉयडरी अगर उधड़ रही है या निकलती हुई जा रही है या कपड़ा सारा फट रहा है, उसको रेनोवेट करने में ज़्यादा सेंस नहीं बनती। हाँ, अगर नीचे का कपड़ा वीक हो गया है और वो कपड़ा स्लिप होके निकल रहा है और ऊपर की एम्ब्रॉयडरी बहुत सुंदर है तो भी आप एम्ब्रॉयडरी को बचा के उस एम्ब्रॉयडरी को नए आउटफिट में शिफ्ट कर सकते हैं। बट जब कोई ऐसा पीस आता है जिसकी एम्ब्रॉयडरी एज इट इज़ पड़ी है, उसको रेनोवेट करने में मज़ा भी बहुत आता है और उसका आउटकम बहुत अच्छा आता है। अब ये जो साड़ी है इसका सिर्फ पल्लू जो है वो हैवी है और बाकी सारी साड़ी के अराउंड सिर्फ ये एक बारीक बॉर्डर है और ऑल ओवर साड़ी पे ऐसे बूटे हैं। अब हमारे ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी दैट शी वांट्स टू गेट अ सूट मेड, बट मैं इनको एक रेगुलर स्ट्रेट सूट देने की बजाय एक कलीदार सूट देने के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि हमारे पास काफ़ी बॉर्डर अवेलेबल है और ये वाला जो पल्ले की जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी अवेलेबल है। बिकॉज़ एक तो ये मेरे क्लाइंट काफ़ी टॉल हैं और इनकी बॉडी फिगर के अकॉर्डिंग, इनकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग इनको एक कलीदार ए लाइन सूट ज़्यादा सूट करेगा। तो मैं आपको अभी स्केच करके दिखाऊंगी और साथ के साथ एक्सप्लेन करूंगी कि मैं इस साड़ी का कौन सा पार्ट सूट में कहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको स्केच करके दिखाती हूँ। मैं इस सूट के लिए क्लाइंट की जो साड़ी वाला फैब्रिक है वो यूज़ नहीं करने वाली हूँ। जो साड़ी का हमारा लेंथ वाली जो साइड है उधर से हम दुपट्टा ज़रूर निकालेंगे, 2.5 मीटर उसमें निकल जाएगा, पर बाकी जो कलीदार सूट जो बनाना है उसके लिए मैं वो साड़ी वाला फैब्रिक नहीं यूज़ करूँगी। रादर मेरे क्लाइंट ने डिमांड की है कि उनको क्रेप में ये सूट चाहिए, तो हम अलग से प्लेन क्रेप फैब्रिक लेके उसको डाई करवाएंगे और ये सारी एम्ब्रॉयडरी को उसके ऊपर शिफ्ट करवाएंगे। और उस क्रेप के सूट में बिकॉज अब मेरा अपनी मर्जी से जितना मेरे को फैब्रिक चाहिए मैं ले सकती हूँ, तो इसमें मैं इनको 5 कलियों वाला सूट दूंगी। एक स्ट्रेट शर्ट से 5 कलियों वाला या वैसे ही थोड़ा ए लाइन जो सूट होता है वो हमेशा बेटर लगता है। उससे एक बहुत स्लिम लुक आ जाती है और थोड़ा सा फॉर्मल ओकेजन पर भी आप उसको ईजिली पहन सकते हैं। स्ट्रेट सूट्स भी अच्छे होते हैं बट वो बहुत ही एक टिपिकल लेडी लाइक लुक आती है, बड़ी ही टिपिकल इंडियन वाली देसी वाली थोड़ी लुक आती है। वहीं अगर कलीदार बना लेते हैं तो वो वहीं थोड़ा सा स्टाइलिश येट कंजर्वेटिव एक बहुत अच्छा स्टाइल बन जाता है। तो अब जब ये अनारकली बना रहे हैं तो इनका जो पल्लू की एम्ब्रॉयडरी है वो वाली एम्ब्रॉयडरी मैं सारी यूज़ करूँगी स्लीव्स पे। हमारे जो ये पल्लू की एम्ब्रॉयडरी वाले जो बूटे थे ये वाले सारे बूटे मैं स्लीव्स पे ले लूँगी। रादर स्लीव्स हम इसी पल्ले वाले फैब्रिक में से स्लीव्स निकाल लेंगे तो इस पर हमारी ये पूरी एम्ब्रॉयडरी आ जाएगी। एंड देन इस साड़ी में हमारे पास जो ये बूटे हैं, ये वाली जो बूटी है, इस बूटी को मैं निकाल के और पूरी शर्ट के ऊपर पैचिंग कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि अगर पैचिंग ही करनी थी, उसके ऊपर बूटे लेने ही थे तो इसी में से शर्ट बना लेते। अभी अगर आप देख रहे हैं तो बूटे की डायरेक्शन ऐसे में वर्टिकल है, मतलब साड़ी की लेंथ में, और मैंने जैसे पहले बताया मेरी क्लाइंट काफ़ी टॉल है। अगर मैं इसमें से उनकी शर्ट की लेंथ निकालने की कोशिश करूंगी तो वो उनको छोटी रह जाएगी। तो हमारे पास जो हम अलग से क्रेप फैब्रिक यूज़ करने वाले हैं उसमें हम जितनी चाहे लेंथ निकाल सकते हैं और अपने मन चाहे कट के ऊपर ये वाली बूटी निकाल के इसके ऊपर हम पैच कर सकते हैं।
बूटे सारे फ्रंट के ऊपर जब आ जाएंगे तो ये पूरा एक हेवी सूट की लुक बन जाएगी। और ये दुपट्टा निकालने के बाद अगर हमारे पास ये वाला जो साइड वाला जो बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर अगर बचेगा तो इसको मैं यहाँ पर कुर्ता पट्टी में यूज कर लूंगी। साड़ी में यूजुअली 9 मीटर बॉर्डर रहता है और हमारे दुपट्टे में 7 से 7.5 मीटर बॉर्डर यूज होगा। और बाकी का जो ये पल्लू वाली साइड वाला जो बॉर्डर है, ये ऐसे ही स्लीव्स के आगे मैं बाजू के आगे ले लूंगी। तो मुझे लगता नहीं है कि कुर्ता पट्टी के लिए कुछ ज़्यादा बॉर्डर बचे, बट स्टिल हम कोशिश करेंगे कि अगर हम 1 मीटर तक बॉर्डर बचा लें और उसे आगे कुर्ता पट्टी पर प्लेस कर दें। तो चलिए अब हम इसके लिए क्रेप फैब्रिक डाइंग के लिए भेजेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे इसकी कटिंग करेंगे और सारी एम्ब्रॉयडरी को उस नए फैब्रिक के ऊपर शिफ्ट करेंगे। अब हमारा ये जो फैब्रिक है वो डाई होके आ गया है। ये पूरे कलीदार कुर्ते और प्लाजो के लिए मैंने 7 मीटर फैब्रिक डाई करवाया है। इसमें हमें पूरा कलीदार घेरे वाला कुर्ता भी मिल जाएगा और एक कंफर्टेबल प्लाजो भी निकल आएगा। तो चलिए अब आपकी मैं इसको साड़ी की और इस सूट की कटिंग कैसे करेंगे वो दिखाती हूँ। मास्टर जी, ये जो इनकी साड़ी है, इसका जो पूरा पल्ला है, इसको हम ले लेंगे स्लीव्स के ऊपर। ये पल्ले में से इसकी स्लीव्स निकाल लेंगे और ये जो अलग हमारे पास कपड़ा है, इसमें से हम कलीदार अपना कुर्ता 5 कलियों वाला, 5 आगे की 5 पीछे की कलियों वाला, 3 लेंथ में ये कुर्ता निकाल लेंगे और साथ में इसके प्लाजो बनेगा। और ये वाला जो बाकी का जो साड़ी का 5 मीटर साड़ी है, 2.5 मीटर का पहले हम दुपट्टा निकाल लेंगे। साड़ी की जो ये वाली साइड है उसमें से मास्टर जी हम 2.5 मीटर दुपट्टा निकाल लेंगे और ये जो खाली वाली साइड है इसके लिए हम उधर से जो एक्स्ट्रा बॉर्डर हमारे पास बचेगा उसको उधर फिक्स करके 2.5 मीटर का दुपट्टा निकल जाएगा। और ये जो सारे बूटे हैं, ये हमारे अनारकली के इधर फ्रंट पे सारे बूटे एडजस्ट कर देंगे, बैक पे कोई बूटा नहीं लेना है। तो ये जितने 10-12 बूटे हैं वो सारी फ्रंट पे एडजस्ट हो जाएंगे तो फ्रंट पूरा हैवी बन जाएगा। और अगर हमारे पास बाद में ये वाली पट्टी बची तो उसको देख लेंगे कुर्ता पट्टी पे लगाना है कि नहीं, वो कटिंग करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या बचता है। अभी ये हमने पल्ला निकाल के अलग कर लिया है, जितनी हमें बाजू की लेंथ चाहिए थी उतनी लेंथ का ही फैब्रिक हमने निकाल के अलग कर लिया है। तो अभी इसमें से दोनों स्लीव्स निकालेंगे। जब ऐसे कोई मोटिव्स वाले डिज़ाइन होते हैं तो उसका हमेशा कटिंग के टाइम पे ख्याल रखें कि मोटिव दोनों साइड पे या स्लीव के सेंटर में एकदम आए। अगर 2 मोटिव हैं, जैसे इस पीस में 2 मोटिव हैं, तो इसका हमें ख्याल रखना होगा कि बाजू पे एकदम बराबर आए, दोनों साइड से गैप जो है एकदम बराबर हो। ऐसा नहीं कि एक साइड से मोटिव बिल्कुल सिलाई के पास जा रहा है और दूसरी तरफ से बाजू के आगे आ रहा है। तो इसको बहुत ध्यान से आपको कटिंग करनी है कि दोनों मोटिव्स बाजू पे एकदम बराबर आए। अभी अगर स्लीव की कटिंग करने के बाद हमारे पास ये वाला बूटा काट के निकालना पड़ेगा तो हम इसको भी वेस्ट नहीं जाने देंगे और हम इसको भी सूट के आगे पैचिंग करने में यूज़ कर लेंगे। यहाँ से जब स्लीव की कटिंग होगी तो ये वाला कट के, मेरे ख्याल से ये कट के निकल जाएगा, तो हम इसको भी बचा के यूज़ कर लेंगे। ये देखो हमारा साइड पे ये जो बूटा था ये बच गया है, तो ये दोनों बूटे हम सूट में यूज़ कर लेंगे। अभी मास्टर जी ये कलियों की कटिंग कर रहे हैं। जब ये ऐसा कलीदार कुर्ता बनता है तो उसकी कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी पड़ती है और कटिंग में बहुत ख्याल रखना होता है। अगर आप एक कलीदार कुर्ते की डिटेल कटिंग वाला वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और हम फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि ऐसे डिटेल टेक्निकल जो वीडियोस हैं वो और आपके लिए लेकर के आएँ। ये सब कलियां पहले अलग अलग से स्टिच होके उसके बाद ये पीस जाएगा अड्डे के ऊपर, जिस पर हम सारे बूटों को इंडिविजुअली पैच करेंगे। अभी साड़ी में से दुपट्टा निकालने के बाद जो हमारे पास बूटे बचे हैं उनकी हमने फ्रंट पे ऐसे प्लेसमेंट करी है। अभी इसको हैंड एम्ब्रॉयडरी के साथ सबको इस पे पैच कर देंगे और बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि इस पर हमने शिफ्ट किया है कि पहले से ही ऐसे कढ़ाई हुआ था। इतने सारे प्रोसेसेस के बाद फाइनली हमारा आउटफिट बनके रेडी हो गया है एंड बिलीव मी व्हेन आई से इट हैज़ टर्नड आउट ब्यूटिफुल। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने ये 45 साल पुरानी साड़ी के साथ
क्या किया और उसे एक कलीदार कुर्ते में कैसे कन्वर्ट किया है। मुझे ये आउटफिट इतना पसंद आया है, आई एम श्योर मेरे क्लाइंट को भी ये उतना ही पसंद आएगा। सबसे पहले हमने साड़ी का जो पल्ला था उसमें से एम्ब्रॉयडरी यूज़ करके हमने ये स्लीव्स निकाली थी, एंड बाकी की जो साड़ी के जो बूटे थे, जैसे मैंने आपको पैचिंग करते हुए भी दिखाया था, वो वाले सारे बूटे इस सूट के ऊपर हमने पैचिंग कर लिए। और इसको अगर मैं पास से दिखाऊं तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि ये पैचिंग हुए हैं कि डायरेक्ट इसी पीस के ऊपर हमने काम किया था। हमारे पास जब ये साड़ी आई थी तो मुझे लगा था कि इसमें 9 मीटर बॉर्डर होगा, बिकॉज़ यूजुअली जो साड़ीज़ होती हैं उनमें 9 मीटर बॉर्डर रहता है, बट क्योंकि ये साड़ी बहुत पुरानी है एंड उस टाइम पे शायद छोटे पल्ले वाली साड़ी चलती होगी, तो इसमें 8 मीटर ही बॉर्डर था। और जैसा मैंने पहले सोचा था कि मैं सारा बॉर्डर जो है साड़ी का वो स्लीव्स पे भी दे दूंगी और दुपट्टे के चारों तरफ भी दे दूंगी, बट इतना बॉर्डर नहीं था, तो आई कुड ओनली गिव द बॉर्डर ऑन द दुपट्टा लेंथ। और पल्ले वाली साइड पे हमको सिर्फ ऐसे ही किरण गोटा थोड़ी ऐसी लेस लगानी पड़ी, बट ये भी बहुत ही एक कंप्लीट लुक देता है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उस साइड पे बॉर्डर मिसिंग है। बट हमारे पास फिर भी 1 मीटर बॉर्डर बच रहा था, तो उसे मैंने यहाँ पर कुर्ता पट्टी पर लगा दिया और बहुत ही सुंदर एक नेक डिज़ाइन बन गया। एक ऐड ऑन हमने जो किया, हमने ये जो मड़े हुए बटन लगाए हैं, फैब्रिक वाले जो बटन्स लगाए हैं, इनके ऊपर हमने खुद से एम्ब्रॉयडरी कर बाकी के पीस के साथ उसको थोड़ा मैचिंग करके वो बटन्स बना के लगा दिए। आई बिलीव ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स ऐड करने से आप किसी भी डिज़ाइन को एक कंप्लीट लुक दे सकते हो। तो अगर आप कोई पुराने दुपट्टे में से कुछ बना रहे हो या आप पुरानी साड़ी में से कुछ बना रहे हो और आपको कुछ मिसिंग लग रहा है, वो आप एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हो। अभी आई एम वेटिंग फॉर माई क्लाइंट, उनको मैं ये आउटफिट दिखाने वाली हूँ और ट्रायल करवाने वाली हूँ और फिर देखते हैं कि उनको ये आउटफिट कैसा लगा। आई एम श्योर उनको ये आउटफिट बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। एक तो ये बहुत ही एज अप्रोप्रिएट है और इसकी वेयरेबिलिटी, वो चाहे किसी शादी में पहने चाहे इसको छोटे मोटे किसी फंक्शन में पहने, इसकी वेयरेबिलिटी बहुत ज़्यादा अब बढ़ गई है। कमाल कर दिया ये तो आपने, ये मेरी साड़ी है। हाँ जी, बहुत सुंदर बनाया हुआ है आपने। आई एम सो हैप्पी कि आपको पसंद आया है। अरे ये तो मेरी दादी माँ ने दिए थे ना साड़ी, मेरे इमोशंस थे इसके साथ, तो मैं तो खुद डर रही थी। मैंने कभी बनाया नहीं ना, मैंने आपके यूट्यूब पे देखा था, तो आपने एक वीडियो डाली थी ना अपने साड़ी से, आप कह रहे थे ना अच्छी आउटफिट बन जाता है, तो मैंने वो सुन के ही मैंने ये बनवाया है। मेरे को तो बहुत सुंदर लगा ये, बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा मेरे को लगता ही नहीं कि मेरी साड़ी से बना हुआ है। चलो अभी आप ट्राई करके आओ, आई एम ईगरली वेटिंग कि आप ट्राई करो और आपको कैसा लगा ये। मेरी और भी साड़ियों से आप बना देना, ठीक है? आप मेरे को अपनी ये साड़ी की जो बैकग्राउंड है, ये आपके पास कहाँ से आई और इसके आपके साथ क्या इमोशंस, क्या अटैच्ड हैं इस साड़ी के साथ, मेरे साथ थोड़ा शेयर करोगे? हाँ बिल्कुल। ये साड़ी ना आज से मतलब 45 इयर्स बैक मेरी दादी जी ने मुझे दी थी मेरी शादी में, तो ये साड़ी मेरे को इतनी प्यारी लगती थी साड़ी, क्योंकि मेरी दादी के थे, मेरे इमोशंस इसके साथ हैं ना, तो मैंने इसको सोचा होता कि मैं संभाल के रखूँगी और मैं अपने बच्चों को आगे गिफ्ट करूँगी, तो मेरे को मैंने इतनी संभाल के इतने सालों से रखी हुई थी, तो मेरा मन ये है कि अब मैं अगर मैंने वेयर नहीं करना कुछ भी तो फिर ऐसे ही पड़ी रहेगी, है ना। तो फिर मैंने सोचा, मैंने आपकी वीडियो देखी, तो फिर मैंने वहाँ से मैंने मेरे को आया आइडिया आया ये वाला कि मैं दिखाऊँ साड़ी और मेरा सूट बन जाता तो मैं वेयर करूँगी, मैं अपनी दादी को भी याद करूँगी। उन्होंने मेरे को बड़े प्यार से दी थी, इतने साल हो गए, इतना अच्छा वर्क आपने जो इसमें एडिशन जो किया है ना, वो कमाल की है कि बहुत सुंदर बना दिया आपने, तो मेरे को लगता है कि मैं इसको बहुत खुशी इसको सारे फंक्शंस में, मेरे को लगता है सभी फंक्शन में यही सूट डालूँ, बहुत प्यारा लग रहा है मेरे को। मैं अभी आपके आने के पहले ना मैं वीडियो में यही बोल रही थी कि अभी वो इसको बहुत ज्यादा पहनने वाली है। हाँ, तो आपने भी वही चीज बोल दी। मेरे को बहुत सुंदर लग रहा है ना यार, इतना काम अच्छा आपने बढ़िया किया हो ना, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी साड़ी से ऐसा भी बन सकता है, और इतनी फिनिशिंग अच्छी ना,
बहुत अच्छा काम किया, मेरा मन खुश हो गया इसको देख के ना, वेयर कर लिया तो बहुत सुंदर लगा मेरे को। मेरे चैनल पे बहुत टाइम से ये डिमांड आ रही थी कि मैं कौन सी साड़ीज को कन्वर्ट करके कैसी ड्रेसेस बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुझे रियली ये सारी जर्नी आपके साथ शेयर करने में बहुत मजा आया एंड आई प्रोमिस मैं आगे भी ऐसे वीडियोस जरूर बनाऊंगी। आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या आइडिया मिला और आपको क्या हेल्प मिली, और आगे फ्यूचर में और भी किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। Thank you so much for watching.